जीवन और किताब में एक अंतर होता है। किताब के पन्नों की तरह जीवन की दिशा को पीछे नहीं पलटा जा सकता। हम केवल अतीत की घटनाओं को याद ही कर सकते हैं और न ही हम जीवन की किताब का अंतिम अध्याय इसके लिए नियमित समय से पहले पढ़ सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो है जो आज में है। आज में जीने की कला सीखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क को अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं से दूर रखे। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति निरंतर सकारात्मकता का अभ्यास करे। सकारात्मक विचार ही सकारात्मकता के स्रोत होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो सकारात्मक चिंतन की आदत डाले। मन की एक और प्रकृति है, ये नकारात्मक विचारों से जकड़ा रहता है। यदि 10 सकारात्मक घटनाओं के बाद एक नकारात्मक घटना हो तो मन नकारात्मकता को चिपकाए रखेगा, वो 10 सकारात्मक घटनाओं को भूल जाएगा। ये समझना चाहिए कि अतीत बीत चुका है, भविष्य समय के गर्भ में छिपा हुआ है, आज क्षण ही यथार्थ है। इसीलिए आज का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना चाहिए। खुशी, आनंद, उल्लास, कार्यक्षमता, ये सब आज में ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।